शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र से करना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा कौन सा कोर्स है जिसमें टीचर्स की नियुक्ति महज 3 साल के लिए होगी। दरअसल कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज सभी जानते हैं कुछ समय पहले शुरू किए गए थे, लेकिन इसमें नियुक्तियां कैसे होंगी और फिर फंड कौन करेगा फैकल्टीज को, इस बात पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। इसी के मद्देनज़र रखते हुए एक सोसाइटी का गठन किया गया है और अब यहाँ जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक ही टीचर्स को रखा जाएगा। 3 साल के लिए इन्हें रखा जाएगा, प्रति घंटे के हिसाब से 250 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि मिनिमम 15,000 के करीब इन्हें यहाँ पर वेतन मिल जाएगी, जो कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के लिए फैकल्टीज रखे जाएंगे। हालांकि हायर एजुकेशन का इन कोर्सेज पर पूरी तरह से कंट्रोल रहने वाला है। किसी भी कॉलेज में अगर ये सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज शुरू किए जाएंगे तो पहले उन्हें संबंधित यूनिवर्सिटी से भी इसके लिए परमिशन लेनी होगी। जैसे कि BBA, BCA या PGDCA, MCA की हम बात करें तो ये कोर्स अगर शुरू करने हैं तो संबंधित यूनिवर्सिटी से इसमें परमिशन लेनी होगी। नए नियम क्योंकि अब तय कर दिए गए हैं और सोसाइटी की और यूनिवर्सिटी की और उच्च शिक्षा विभाग की भी देखिए कॉलेजेस पर अब पूरी पूरी नज़र बनी रहेगी। और फंड का मामला अब यहाँ पर सुलझ गया है क्योंकि सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत ही इन्हें फंड भी यहाँ जारी किया जाएगा और सोसाइटी पर इसका पूरा जिम्मा छोड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। UG और PG में प्रवेश लेने के लिए क्योंकि टेस्ट देना पड़ता है तो इसके लिए शेड्यूल सामने आया है। हालांकि अभी इन दिनों UG की फाइनल परीक्षाएं यूनिवर्सिटी में चल रही हैं, लेकिन ये 25 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगी। इसके बाद छात्र प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये तकरीबन 16 अगस्त तक एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है और शुरुआत इसकी 16 जून से हो जाएगी। 16 जून से 16 अगस्त यानी कि ये 2 से 2.5 महीने रहने वाले हैं जिसमें एंट्रेंस टेस्ट भी लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आवेदन किए जाए। तो आवेदकों के लिए शेड्यूल यहाँ पर जारी हो ही चुका है, एक तरह से आवेदन इनसे मांग लिए गए हैं। HPU के डीन ऑफ स्टडी की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। कौन कौन से कोर्स के लिए कब एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है ये आप HPU की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। TGT की नियुक्तियों के लिए भी आज हम एक नई जानकारी लेकर आए हैं कि आखिरकार ये नियुक्तियां कब तक हो पाएंगी। TGT बैच वाइज का रिजल्ट देखिए घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग को फाइल भेजी गई थी सरकार की ओर से परमिशन लेने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस फाइल पर अभी तक चुनाव आयोग का कोई भी जवाब सामने नहीं आया है, जिस वजह से बाकी मामलों में भी अभी थोड़ी सी देरी बरती जा रही है। क्योंकि सरकार की ओर से अधिकारियों की ओर से ये तय किया गया था कि TGT वाले मामले में अगर इलेक्शन कमीशन की ओर से जल्दी परमिशन दे दी जाएगी नियुक्तियां देने के लिए, तो बाकी मामलों की फाइल भी फिर चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। लेकिन अभी तक इसी मामले में कोई भी रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है और जब तक चुनाव आयोग की परमिशन नहीं होगी तब तक नियुक्तियां TGTs को यहां पर नहीं दी जा सकती है। ये TGT बैच वाइज से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए थे। जिला कुल्लू के बंजार में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। एक बच्चे की मौत हो गई और एयरगन से खेलते खेलते इस बच्चे की मौत हो गई। दरअसल बच्चे के गले में चोट लग गई थी। आनन फानन में बच्चे के जो बाकी दोस्त थे, आखिरकार वो भी बच्चे ही थे, तो किसी तरह से वो सड़क मार्ग तक बच्चे को उठाकर लेकर आए। एक निजी गाड़ी के माध्यम से इस बच्चे को अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने इसे फिर मृत घोषित कर दिया, जिस वजह से बंजार इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। हर कोई परेशान है और जो बच्चे के परिजन भी थे वो काफ़ी ज़्यादा बेसुध हालत में हैं। इस बीच बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार इतनी क्या गंभीर चोट लग गई थी, कैसे लग गई थी, इस पर बाद में ही जानकारी मिल पाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए एयर गन से यहाँ पर बच्चे की मौत हो गई है, तो किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। अवैध खनन मामले में अब अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। ये 2 दिन पहले हमने आपको जानकारी दी थी, जिला ऊना में खनन विभाग के एक अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। ED की ओर से इस पर केस दर्ज हुआ है। अवैध रूप से ये खनन को अंजाम दे रहा था। फाइल पर जो डाटा अपलोड किया गया था इसकी ओर से वो कुछ और था और हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत थी। हकीकत में यहाँ ये अवैध रूप से खनन को अंजाम दे रहा था और करोड़ों भी, लगभग 80 करोड़ इसी से ही कमा चुका था और सरकार के खजाने को भी इसने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। जिसके बाद अब यहाँ खनन विभाग के बाकी अधिकारियों को लेकर चेकिंग हो सकती है। ED की कार्रवाई की गाज यानी कि उन पर भी गिर सकती है। ये जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की शिकायतें ED को मिल रही थी और अब देखिए ED ने यहां पर अपना काम शुरू कर दिया है। दरअसल जिला ऊना में जो मामला सामने आया था वो लखविंदर सिंह और उनके सहयोगियों से संबंधित था। अब उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी पूरी संपत्ति को भी यहां पर सील किया गया है। लेकिन अब बाकी अधिकारियों पर भी अब यहां जांच हो रही है, जिस तरह की शिकायत आ रही है, और कुछ एक केसेस में जहां शिकायत आई भी नहीं है, अब ED यहां पूर्ण रूप से जांच करने वाली है। सबसे पहले खनन विभाग के अधिकारियों पर ही यहाँ शिकंजा कसा जा रहा है। कारण ये है कि ये दायित्व इनके पास होता है और ऐसा ही जिला ऊना में भी हुआ कि अधिकारी के पास दायित्व था तो उसका दुरुपयोग करने की कोशिश यहाँ पर देखिए अधिकारी ने की और तकरीबन 80 करोड़ का घपला कर दिया था अपने सहयोगियों के साथ मिलकर।
विक्रमादित्य सिंह क्योंकि दिल्ली से लौट आए हैं, ये भी हाईकमान के साथ मीटिंग करने के लिए गए थे और मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से बड़ा दावा किया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा जीत को लेकर आश्वासन नज़र आ रहे हैं। खैर, अभी विक्रमादित्य सिंह का नाम चर्चाओं में है कि मंडी संसदीय सीट से ये चुनाव लड़ सकते हैं, ये हर कोई जानता है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह का ये मानना है कि जब तक लिस्ट फाइनल नहीं हो जाती तब तक ये कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन इन्हें जो भी आदेश जारी किया जाएगा हाईकमान की ओर से वे ये उसे स्वीकार करेंगे और फिर चुनाव भी लड़ेंगे। दूसरी बात, इन्होंने ये भी कही कि आज तक जो भी चैलेंज इन्हें मिला है फ्रंट फुट पर आकर इन्होंने उस चैलेंज को स्वीकारा है और चैलेंज को फेस भी किया है, ऐसा ही ये करने वाले हैं क्योंकि पार्टी के कर्मठ सिपाही है। 2021 का उदाहरण देते हुए इन्होंने कहा कि उस वक्त भी अटकलें लगाई जा रही थी कांग्रेस मंडी संसदीय सीट पर हार जाएगी, लेकिन प्रतिभा सिंह को जीत हासिल हुई थी और उस वक्त का एक्सपीरियंस अभी भी इनके पास है, ये जानते हैं किस तरह से मंडी संसदीय सीट पर अपना होल्ड बनाना है और वहाँ के लोग भी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की कार्यशैली से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है ये इस वक्त मंत्री को लग रहा है। और यदि पार्टी की ओर से अभिनय दायित्व दिया जाएगा फाइनल लिस्ट में प्रत्याशी के तौर पर इन्हें ही चुनाव लड़ने के लिए आगे किया जाता है तो ये बिल्कुल इस दायित्व को निभाने वाले हैं और अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं, क्योंकि एक बात इनकी ओर से और कही गई है कि हिमाचलियत के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, ये हिमाचल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, हर क्षेत्र में गए हैं, जब प्राकृतिक आपदा भी आई थी तो इन्होंने सभी प्रभावित परिवारों की मदद की थी, जल्द से जल्द सभी सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया था क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं तो लोग जानते हैं कि इन्होंने जनसेवा की है और उसका फल भी इन्हें मिलेगा, आज इस तरह के शब्द इनकी ओर से कहे गए। हालांकि प्रतिभा सिंह से भी हमने बात की थी क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी हाईकमान के साथ मीटिंग करने के लिए दिल्ली पहुंची थी और प्रतिभा सिंह ने पहली बात तो ये कही है कि वो अभी सिटिंग एमपी है तो एकदम से यहां उनका भी प्रत्याशी के तौर पर नाम कटना आसान नहीं है, लेकिन सर्व सहमति इसी में ही बन रही है कि विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया जाए। इसके पीछे का कारण उन्होंने ये भी दिया कि कंगना रनौत अभी एक युवा चेहरा है, उनकी उम्र 36 से 37 साल के बीच में है और विक्रमादित्य सिंह 34 साल के हैं तो बराबरी का मुकाबला होना चाहिए और दोनों यूथ आइकन हैं तो कांटे की टक्कर होगी और एक प्रभावशाली चेहरा भी मंडी संसदीय सीट को मिल पाएगा, इसलिए विक्रमादित्य सिंह का नाम हर किसी की ओर से सुझाया जा रहा है, हर कोई सुझाव इनके नाम को लेकर दे रहा है और प्रतिभा सिंह ने भी विक्रमादित्य सिंह का नाम ही वहां पर सुझाव के तौर पर दिया है। ये बात इन्होंने आज मानी है, एक तरह से कबूल ली है कि विक्रमादित्य सिंह ही चुनाव लड़ेंगे और हर नेता इन्हीं के नाम की पैरवी भी अभी कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक में कर रहा था, एक तो बड़ी बात इन्होंने ये कही। दूसरी बड़ी जानकारी इन्होंने ये भी दी कि कंगना रनौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आशीर्वाद है, ऐसे में ये जरूरी था कि बेस्ट से बेस्ट प्रत्याशी ही मंडी संसदीय सीट में कांग्रेस की ओर से दिया जाए और वो सभी को विक्रमादित्य सिंह ही नजर आए। हालांकि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में प्रतिभा सिंह भी इस दौरान देखने के लिए मिली जब मीडिया से ये बातचीत कर रही थी। अब देखिए बड़ी बात आ गई राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को लेकर, जब इनसे सवाल किया गया कि वो लीगल नोटिस मुख्यमंत्री सुक्खू को भिजवा रहे हैं, इस वाक्य को वो किस तरह से देखते हैं, तो प्रतिभा सिंह ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि मैं तो पहले ही ये कह रही थी कि राजेंद्र राणा सुधीर शर्मा बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के और जो वैल्यू इन्हें मिलनी चाहिए वो दी भी जाए, लेकिन जब वो नहीं गई तो आज इस तरह का दिन देखना पड़ रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्रतिभा सिंह ने किया, यानी कि मन में है कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के कि जो बातें उन्होंने पहले कही थी वो मानी नहीं गई, अगर मान ली जाती तो आज इस तरह का परिदृश्य सामने नहीं आता, इतनी बड़ी बगावत कांग्रेस में नहीं होती। तो ये तीन बड़ी बातें इन्होंने कही और सीईसी को लेकर भी इनकी ओर से इन्फॉर्मेशन दी गई है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की अभी बैठक होनी है 13 अप्रैल को दिल्ली में, इसमें प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे और फिर ये लिस्ट भी हमारे समक्ष आने वाली है। खैर, एक तरह से ये फाइनल हो ही चुका है, अगर हम मंडी संसदीय सीट की बात करें तो विक्रमादित्य सिंह को प्रत्याशी बनाया जा रहा है और कांगड़ा सीट से आशा कुमारी को दायित्व सौंपा जाएगा, इस पर भी आज प्रतिभा सिंह की ओर से हामी भर दी गई है। आशा कुमारी को लेकर हालांकि उन्होंने 2 से 3 बोल अच्छे भी कहे, एक तरह से सराहा है उनके नाम को भी और जैसा कि सभी जानते हैं कि बाकी जगहों पर भी एक तरह से अटकलें काफ़ी ज़्यादा प्रत्याशियों को लेकर लगाई जा रही हैं। हालांकि हमीरपुर से अभी सतपाल रायजादा का नाम सामने आया है, लेकिन शिमला संसदीय सीट पर अभी कांग्रेस नेता कुछ नहीं कह रहे हैं, 2 से 3 नाम हैं, ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं और उम्मीद है कि अब ये जो 13 अप्रैल को बैठक होने जा रही है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, इसमें ज़रूर ये नाम भी तय कर लिया जाएगा, हर किसी की निगाहें क्योंकि इस पर बनी हुई है। अभी 6 उपचुनाव भी होने हैं, इसको लेकर भी प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस की ओर से तय नहीं किए गए हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री का भी यही कहना है, प्रतिभा सिंह का भी यही मानना है कि 13 अप्रैल के बाद लिस्ट सामने आने वाली है।
अब देखिए विक्रमादित्य सिंह का नाम तो मंडी संसदीय सीट से तय ही माना जा रहा है। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के जो बोल थे उसके बाद फाइनल ही एक तरह से ये नाम देखा जा रहा है, लेकिन भाजपा में इसके बाद काफ़ी ज़्यादा खलबली मच गई है, क्योंकि भाजपाइयों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया जाएगा। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को ये जिम्मा दे दिया है, नेशनल इंटरनेशनल चेहरा है, और दूसरी ओर प्रतिभा सिंह होगी या फिर कौल सिंह ठाकुर होंगे, लेकिन कौल सिंह ठाकुर और प्रतिभा सिंह के मुकाबले विक्रमादित्य सिंह बहुत ही मजबूत चेहरा है और सभी जानते हैं यूथ आइकन भी हैं। हिमाचल प्रदेश में जितने भी यंगस्टर्स हैं, कोई भी जब उन्हें अपना काम करवाना होता है तो सबसे पहले वो विक्रमादित्य सिंह के दरवाजे पर ही दस्तक देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो भी एक यंगस्टर है और जरूरी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा स्नेहा यंगस्टर से विक्रमादित्य सिंह को मिलता हुआ पिछले 15 महीनों में नजर आया है। और इस बीच अब ये देखना होगा कि मुकाबला कैसा रहता है। हालांकि बार बार आरोप प्रत्यारोप यहाँ कंगना की ओर से और विक्रमादित्य सिंह की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब चुनावी मैदान में जब उतरेंगे और फील्ड पर जब अपना दमखम दिखाएंगे उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होने वाली है कि आखिरकार किसे यहाँ पर जनादेश मिलने वाला है मंडी संसदीय सीट से। अभी तक की अगर हम जानकारी दें तो जितने भी सर्वेस करवाए जा रहे हैं उसमें मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, और इसी बात की वजह से भाजपा में थोड़ी सी खलबली मच गई है। उन्होंने उम्मीद ऐसी नहीं की थी, लेकिन अब और ज़्यादा स्ट्रांगली उन्हें कंगना रनौत को लोगों के सामने रखना होगा, पेश करना होगा। कैसे ये कर पाते हैं ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि देखिए विक्रमादित्य सिंह की एक बात और है, ये काफ़ी ज़्यादा आक्रामक ढंग से हर वक्त पेश आते हैं और तो और कुछ एक मुद्दों पर अपनी ही सरकार को भी घेर लेते हैं, अपनी सरकार पर भी जुबानी हमला कर देते हैं। इनकी कार्यशैली से हर कोई प्रभावित है, जो भी वायदा इनकी ओर से किया जाता है वो पूरा भी होता है। और अभी कंगना रनौत का ये पहला चुनाव है, इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई ऐसा बड़ा कार्य भी हिमाचल वासियों के लिए नहीं किया है, तो इस बीच अब मंडी के लोग किस तरफ जाते हैं ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। हालाँकि एक चीज़ और है, देखिए बीफ पर यहाँ राजनीति गर्माती हुई नज़र आ रही है और ये एक तरह से सियासी तूफान बढ़ गया है कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमें इस बीफ को लेकर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले विक्रमादित्य सिंह की ओर से एक पोस्ट साझा किया जाता है जिसमें उनका कहना था हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ गौ मांस खाने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर कंगना ने इस पर पलटवार करते हुए ये कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, उन्होंने बीफ या रेड मीट आज तक कभी नहीं खाया है और वो तो आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार प्रसार करने वाली हैं। ऐसे में उनकी छवि को बहुत बुरे ढंग से ख़राब करने की कोशिश यहाँ कांग्रेस नेताओं की ओर से हो रही है। तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज फिर मीडिया के समक्ष इस पर जवाब दे दिया है। उनका ये कहना था कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर खुद ही कंगना रनौत ने ये बात कबूली है कि वो बीफ खाती थी, उनकी माता ने मना किया था खाने के लिए लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने खाया है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो उनकी बड़ी बहन की तरह है, लेकिन लग नहीं रहा है कि राजनीतिक मैदान पर वो खड़ी उतर पाएंगी। क्योंकि इसमें विक्रमादित्य सिंह ने एक चीज़ ये भी कही कि हिमाचलियत के नाम पर मंडी में ये चुनाव होने वाला है और हिमाचल की एबीसी भी कंगना रनौत को पता नहीं है। अब ये बड़ी बात उन्होंने कह दी है, इस बारे में कैसे खुद को प्रूव कर पाएंगी कंगना रनौत ये उनके लिए भी एक देखिए बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और व्यक्तिगत इश्यूज़ को छोड़कर कंगना रनौत को मंडी के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ये भी उन्होंने नसीहत दी है। और दूसरी बड़ी बात ये कही है, एक तरह से डिबेट के लिए कंगना रनौत को उन्होंने ललकार दिया है कि ऐसे पोस्ट साझा करने से कुछ नहीं होगा, अगर बात करनी है तो आमने सामने आकर करें और फिर बताएं कि आखिरकार उन्होंने मंडी के लोगों के लिए अभी तक किया क्या है। छोटी छोटी बच्चियाँ भी अपना गुल्लक देने के लिए मुख्यमंत्री के पास आई थी जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी, लेकिन उस वक्त भी कंगना रनौत की ओर से एक पैसे की मदद नहीं की गई। और जब इलेक्शन का टाइम आया तो वो हिमाचल की बेटी बन गई हैं, हिमाचल की बेटी की आड़ में लोगों को इमोशनल कर रही हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दोनों ही ओर से हमें ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल होता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ अब चुनावी मैदान में होता है ये हम देखने वाले हैं। दूसरी ओर देखिए मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली से जब लौटे तो उन्होंने फिर बागियों पर हमला बोल दिया और दोबारा से वही शब्दों का इस्तेमाल किया जिन शब्दों को लेकर उन्हें लीगल नोटिस भी बागियों की ओर से जारी किए गए हैं। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने लीगल नोटिस जारी किए हैं मानहानि के नोटिस को लेकर, और तकरीबन सुधीर शर्मा की ओर से 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस ये मुख्यमंत्री को जारी किया गया है, क्योंकि कुटलहड़ में मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जो बागी हैं ये 15-15 करोड़ में बिक गए और इसी बात से नाराज होकर इन्होंने मानहानि का नोटिस जारी किया। लेकिन आज जैसे ही नदौन पहुंचे मुख्यमंत्री तो फिर से उन्होंने यही शब्द कह दिए और यही वाक्य उनकी ओर से दोहराया गया कि लगता है 15-15 करोड़ से भी ज्यादा में ये बागी बिक गए हैं। हालांकि सुधीर शर्मा का उन्होंने नाम नहीं लिया, कुछ ऐसे शब्द उन्होंने कहे कि सरगना को शायद 15 करोड़ से भी ज्यादा पैसे बिकने के लिए मिले हैं, लेकिन अब भाजपा ने जो करना था वो कर दिया है। अब कांग्रेस के पास और ऐसे विधायक नहीं है जो बिकेंगे,
सभी कांग्रेस के वफादार हैं जो बिकने वाले थे, उन्होंने अपनी भावनाएं बेच दी है। तो ये देखा जा सकता है कि लीगल नोटिस बागी विधायकों की ओर से मुख्यमंत्री सुक्खू को यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वही शब्द मुख्यमंत्री ने फिर से दोहराए हैं और अपनी बात पर एक तरह से अड़े हुए वो हैं कि ये बिक गए हैं, बिकाऊ चेहरे थे, लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बगावत कांग्रेस ने झेली है हूबहू वैसी ही बगावत भाजपा को भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा के कुछ एक नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। आज एक दफ़ा फिर सीएम सुक्खू की ओर से ये बात कही गई। एक चीज़ उन्होंने और कही है महिलाओं को लेकर, जिसमें उनका कहना था कि एक साल में महिलाओं को 18,000 रुपये दिया जाएगा। दरअसल ये मतलब उनका ये था कि हर माह 1500 रुपये दिए जाएंगे, तो उस हिसाब से 18,000 रुपये इन महिलाओं को मिलने वाला है। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किए जा रहे हैं, लेकिन 18 साल से अधिक आयु वाली महिलाओं को 1500 रुपये और एक साल में 18,000 रुपये देंगे, इतनी सी बात उन्होंने कही है। अब अलग से 18,000 रुपये महिलाओं को मिलने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये हम क्लैरिटी करना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त ओपीएस जो कर्मचारियों को दी गई है और 680 करोड़ रुपये की स्टार्टअप योजना भी है, इंग्लिश मीडियम अब सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है और दूध गेहूँ मक्खी पर MSP जैसे दाम भी दिए जा रहे हैं, जो कि हर किसी के बस का नहीं था। और ये जो जितने भी कार्य हैं, जितने भी निर्णय लिए गए हैं, इन्हें जनता के बीच में जाकर लोगों को अवगत करवाया जाएगा। इनसे जो भी कांग्रेस सरकार की ओर से डिसीजन लिए गए हैं, यानी कि 15 महीने में जितनी भी उपलब्धियां हासिल की गई हैं या जनता के हित में जितने भी बड़े फैसले लिए गए हैं, लोगों को इससे अवगत करवाने की बात उन्होंने कही है।